hello friends welcome to chitra science hub today we will discuss about the electron flow through electron transport chain part first that is electron flow through complex 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्या काम करती है ग्लाइकोलाइसिस और टी सी में जो एन ए डी एच और एफ ए डी एच जनरेट होते हैं बाई ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज़ उनका ऑक्सीडेशन किया जाता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू और उससे हम प्रोटोन बाहर फ्लक्स करते हैं और जब वो प्रोटोन ए टी पी सिंथेस के थ्रू अंदर आते हैं तो ए टी पी का सिंथेसिस होता है यू के अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है वो इनर माइट्रोकोंडियल मेम्ब्रेन में सिचुएटेड होती है और प्रोकैरियोट्स के अंदर ये साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन के अंदर होती है अब जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है माइक्रोगिया इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन हम स्टडी कर रहे हैं माइट्रोकोंडिया इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और इसे रेस्पायरेटरी चेन भी कहते हैं ये चार प्रोटीन कॉम्प्लेक्स से मिल बनती है अब राइट हैंड साइड में देखिए यह है पहला कॉम्प्लेक्स एन ए डी एच क्यू ऑक्सीडो रिडक्टेस दूसरा कॉम्प्लेक्स है आपका सक्सीनेट क्यू रिडक्टेस थर्ड कॉम्प्लेक्स है क्यू साइटोक्रोम सी ऑक्सीडो रिडक्टेस और आपका चौथा है साइटोक्रोम सी ऑक्सीडिस तो एन से इलेक्ट्रॉन लेता है कॉम्प्लेक्स फर्स्ट और इलेक्ट्रॉन देगा Q को Q ये कोइनोन मोबाइल क्विनोन है ये एक कॉम्प्लेक्स से दूसरे कॉम्प्लेक्स में मूव कर सकता है ये इलेक्ट्रॉन लेता है और देता है कॉम्प्लेक्स थर्ड को कॉम्प्लेक्स थर्ड से साइटोक्रोम सी इलेक्ट्रॉन्स लेता है और फिर देता है साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज को और साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज लास्ट में ये इलेक्ट्रॉन देता है ऑक्सीजन को और ऑक्सीजन का रिडक्शन होता है आपका पानी में एफ से जो इलेक्ट्रॉन है वो कॉम्प्लेक्स सेकंड से एंटर करते हैं तो कॉम्प्लेक्स सेकंड से इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं क्यू को और क्यू देता है साइटोक्रोम थर्ड कॉम्प्लेक्स थर्ड को और थर्ड देगा फोर्थ को कॉम्प्लेक्स फर्स्ट तब इन्वॉल्व नहीं होता अब रिडक्शन पोटेंशियल ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड में रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है ये जो रिडक्शन पोटेंशियल है एन ए डी क्यू एच का ये माइनस जीरो पॉइंट थर्टी टू है और इसका है जीरो पॉइंट टू थ्री तो रिडक्शन पोटेंशियल जो है ऊपर से नीचे को बढ़ता जा रहा है जैसे जैसे रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ता जाता है इलेक्ट्रॉन्स के लिए एफिनिटी हर कॉम्प्लेक्स की बढ़ती जाती है तो ये जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर तो वीक है लेकिन अच्छा इलेक्ट्रॉन डोनर है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन देने की कैपेसिटी ज़्यादा है जैसे जैसे हम नीचे की तरफ आएंगे इलेक्ट्रॉन एसेप्टर जो एबिलिटी है वो बढ़ती चली जाती है आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कॉम्प्लेक्स फर्स्ट कॉम्प्लेक्स फर्स्ट को एन ए डी एच क्यू ऑक्सीडो रिडक्टेज भी कहते हैं क्योंकि इसमें एन ए डी एच का ऑक्सीडेशन होता है और क्विनोन का रिडक्शन होता है क्विनॉल में क्यू एच टू में इसे हम एन ए डी एच डी भी कहते हैं क्योंकि इसमें से एन ए डी एच से हम हाइड्रोजन को प्रोटोन्स का रिमूवल करते हैं ये एक एल शेप्ड मॉलिक्यूल है ये है माइक्रोकॉन्डियल की मैट्रिक साइज और ये है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस ये है अंदर की मेम्ब्रेन यहाँ बाहर होती है आउटर मेम्ब्रेन तो इन दो मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस है इसे कहते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस इस कॉम्प्लेक्स फर्स्ट के अंदर दो प्रोस्थेटिक ग्रुप है एक है एफ और दूसरा है आयरन सल्फर क्लस्टर इसके अंदर पूरी एक सीरीज होती है आयरन सल्फर क्लस्टर की पहले वन फिर टू फिर थ्री और इसके अंदर होते हैं दो कोइनोन एक यहाँ पर मेम्ब्रेन बाउंड और दूसरा जो है मोबाइल है जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेकर दूसरे कॉम्प्लेक्स में जाएगा जब दो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो एन ए डी एच यहाँ पर जब ऑक्सीडाइज होता है एन ए डी पॉजिटिव में तो दो इलेक्ट्रॉन देता है जब दो इलेक्ट्रॉन इस कॉम्प्लेक्स के थ्रू मूव करते हैं तो वो चार प्रोटोन को फ्लक्स करते हैं फ्रॉम माइक्रोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स टू इंटर स्पेस अब हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन फ्लो थ्रू दिस कॉम्प्लेक्स वन अब जो एन है प्लस एच पॉजिटिव इसका ऑक्सीडेशन होगा एन पॉजिटिव में और ये दो इलेक्ट्रॉन देगा एफ को एन जो है इसकी इस आर्म से अटैच होता है और इलेक्ट्रॉन देगा एफ को एफ का रोडक्शन होगा एफ़ में एफ जो है इलेक्ट्रॉन देगा आयरन सल्फर क्लस्टर को इसके अंदर फोर आयरन फोर सल्फर टाइप का क्लस्टर पाया जाता है और ये तीन क्लस्टर एक साथ सीरीज में होते हैं अब दो इलेक्ट्रॉन ये जो आयरन सल्फर क्लस्टर है ये इलेक्ट्रॉन लेगा लेकिन प्रोटॉन जो हैं वो चले जाएंगे आपके बाहर आयरन सल्फर क्लस्टर के अंदर हमें पता है आयरन एफ थ्री प्लस स्टेट में होगा ऑक्सीडाइज स्टेट में इलेक्ट्रॉन लेने के बाद ये रिड्यूस हो जाएगा एफ टू प्लस में अब एफ टू प्लस जो है इलेक्ट्रॉन देगा नेक्स्ट क्विनोन को ये जो आपका यूबी क्विनोन है ये बाउंड फॉर्म में है और ये वाला जो क्विनोन है ये आपका फ्री है मोबाइल है ये मेम्ब्रेन से अटैच क्विनोन है अब इस क्विनोन को दो इलेक्ट्रॉन दिए आयरन सल्फर क्लस्टर ने अब इसके कंप्लीट रिडक्शन के लिए दो इलेक्ट्रॉन और दो प्रोटोन की ज़रूरत है दो प्रोटोन ये लेगा मैट्रिक्स से और क्विनोन का यूबी क्विनोन का रिडक्शन हो जाएगा यूबी क्विनोल में क्यू अब क्यू एच टू जो है फर्दर इलेक्ट्रॉन देगा आयरन सल्फर क्लस्टर को आयरन सल्फर क्लस्टर सिर्फ इलेक्ट्रॉन लेगा प्रोटोन जो है वो जाएंगे आपके इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में अब जो आयरन सल्फर क्लस्टर में है उसमें एफ ई थ्री प्लस स्टेट में है आयरन ये इलेक्ट्रॉन लेने के बाद रिड्यूस हो जाएगा एफ ई टू प्लस में अब ये जो आयरन सल्फर क्लस्टर है ये फर्दर इलेक्ट्रॉन देगा टू दिस मोबाइल क्यू यू भी कोई ना और ये क्यू जो है इलेक्ट्रॉन लेगा आयरन सल्फर क्लस्टर से और प्रोटोन लेगा मैट्रिक्स से तो कंप्लीट रिडक्शन के लिए दो इलेक्ट्रॉन दो प्रोटोन चाहिए दो प्रोटोन लेगा मैट्रिक्स से और ये रिड्यूस हो जाएगा क्यू एच टू में अब क्यू एच टू ये मोबाइल है ये कॉम्प्लेक्स फर्स्ट से अब इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा और देगा कॉम्प्लेक्स थर्ड में इस टोटल प्रोसेस में चार प्रोटोन जो है बाहर फ्लक्स होते हैं अब हम नेट रिएक्शन देखें तो एक एन प्लस एच पॉजिटिव का ऑक्सीडेशन हुआ एन ए डी पॉजिटिव में तो एक एन ए डी एच एक क्विनोन का रिडक्शन हुआ क्यू एच टू में जो कॉम्प्लेक्स वन से निकलेगा और फाइव एच मैट्रिक्स से रिमूव हुए कैसे देखिए एक ये प्रोटोन एच पॉजिटिव यहाँ पर है दो प्रोटोन यहाँ से गए दो प्रोटोन यहाँ से टोटल फाइव प्रोटोन मैट्रिक्स से गए अब नेक्स्ट जो है आपका एन ए डी एच का ऑक्सीडेशन हुआ एन ए डी पॉजिटिव बना क्यू का रिडक्शन हुआ क्यू एच टू में और चार प्रोटोन जो हैं वो आपके बाहर फ्लक्स हुए ये है नेट रिएक्शन जो कैटालाइज होता है कॉम्प्लेक्स फर्स्ट से दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर थ्रू कॉम्प्लेक्स फर्स्ट थैंक यू